खबर के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश। हालात से हार्दिक कबड्डी लगातार जारी है। हमारे जो फोन लाइन है, जो फोन नंबर है, वो भी आपके स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्रेश हो रहे हैं। आप उन पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं विश्व कप जीत कर आई महिला टीम की सदस्य हैं और जो कि कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंची हैं, उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा खुशबू के पास। खुशबू, इन पूरी सफर के बारे में बात करें, पहला मैच आपने जीता, उसके बाद आगे की अगर बात करें, टीम मैनेजमेंट की अगर बात करें, पूरे टीम मैनेजमेंट की तरफ से आपको क्या निर्देश दिए जा रहे थे कि किस तरह से आपको खेलना है, और आगे अगर कोई बड़ी टीम आपके सामने आती थी तो उसके लिए कैसे तैयारियां करती थी? हमारी पूरी इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो एक्स्ट्रा रखे जाते थे। जब जो टीम हल्की होती थी तो अभी बच्चों को निकाल कर जो थोड़े लूज बच्चे थे उन्हें डाल दिया जाता था, और एक मैच अगर दूसरी टीम स्ट्रॉन्ग है तो तब पीछे से कोचिंग दी जाती थी कि कुछ टाइम करो, कुछ टेक्निक से लो, बार बार हर चीज बताई जाती थी। सुमन, आप बताइए, जिस तरीके से हमने ये प्रश्न खुशबू से पूछा, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है कि क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिए जाते थे, क्योंकि आपके कोच तो वहां नहीं होते थे, वो कहते हैं कि फोन पे बात करते थे, लेकिन माहौल बिल्कुल डिफरेंट मिला होगा। किस तरीके से गाइडलाइन आपको दी जाती थी कि कभी जब भी कोई स्ट्रॉन्ग टीम आपके सामने आए तो किस तरीके से धैर्य बनाकर, और क्या कुछ आपके माइंड में रहता था उस टाइम? उस टाइम हमें यही रहता था कि हमें मैच बड़े अच्छे तरीके से खेलना है। हमें पहले भी बता दिया जाता था कि आपको मैच कैसे खेलना है, लेकिन हमारे पास वहाँ पर जो इंडिया की कोच थी मैम, वहाँ पर वही होती थी, लेकिन वो अगर कोई भी थोड़ी सी गलती होती थी तो मैम हमें बताती थी कि बेटा ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है। और जो जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम थी, वो थोड़ी हैवी टीम थी, उसके साथ उस टीम के साथ खेलते समय हमें ये बताया गया था कि आपको बहुत ध्यान से खेलना है और बड़े अच्छे तरीके से खेलना है। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हरिओम है जुलाना से, आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी हरिओम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे जैसे प्राइवेट कंपनियां जो टाई अप करती हैं, जैसे क्रिकेट में आईपीएल का या इस प्रकार का कोई सिस्टम है, वो ग्राउंड लेवल तक जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट खेलेगा उसको भी कुछ ना कुछ प्राइवेट कंपनियां उसके साथ टाई अप हो, ठीक है। जो स्टेट खेलेगा, जो नेशनल खेलेगा, चाहे वो किसी भी गेम में है, ठीक है, उसको आर्थिक तौर पर बाहर से कंपनियां मदद करें, ठीक है। अच्छी जो चीजें हैं वो उसको, विशेष दिक्कत है आर्थिक समस्या की रूरल एरिया में, विशेषकर हरियाणा के रूरल एरिया में इतने ज्यादा पैसे की जरूरत होती है खिलाड़ियों को, वो उसको पूरे एफर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इस प्रकार की कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि इस प्रकार छोटे छोटे गेम करवाए जा सके जिससे वो पैसे की इनकम हो, इनकम का सर्कुलेट हो, पूरा घूम के मतलब हर प्लेयर तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। जी हरिओम जी, काफी अच्छा सजेशन आपका है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तीनों ही खिलाड़ियों को? तीनों को मैं अच्छा गेम करें अपना, अच्छी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ठीक है जी। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका हरिओम जी। और आपको बता दें कि इस बीच हमारे साथ बनवारी जी भी जुड़ गए हैं गुड़गांव से। जी बनवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये सभी को, इनको तीनों खिलाड़ियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत इनको मुबारकबाद। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जो पंजाब में जो वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट हुआ उसका हमने लाइव भी देखा था जी। बनवारी लाल जी, तीनों खिलाड़ी स्टूडियो में मौजूद है, क्या आप बात करना चाहते हैं किसी के साथ? नहीं, इनको बहुत बहुत है, इनका हमने खेल देखा, बड़ा अच्छा खेल इनका लाइव दिखाया था पंजाब चैनल पे। जी जी जी, और बड़ा अच्छा इनका खेल है, और मैं गुजारिश करता हूँ हरियाणा सरकार से भी कि इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करें इनको। जी धन्यवाद। हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उसमें इतना, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ मैं अभी सुन रहा हूँ इनके मिस्टर चौधरी ने जो बताया कि पूरी सुविधा इनको नहीं मिली। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी आपका। और आपको बता दें कि हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, हमारे साथ तीनों ही महिला खिलाड़ी जो कर जीत कर आई हैं वो, और सबसे बड़ी बात उनके कोच भी हमारे साथ बैठे हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे। सुरेश जी आपके पास आना चाहूँगा इससे पहले कि कोई और कॉलर हमारे साथ जुड़े। सुरेश जी, जब आपके साथ ये, जब आपने इनको सिखाना शुरू किया इन तीनों खिलाड़ियों को उस समय, और अब जब वर्ल्ड कप जीत कर आई हैं ये खिलाड़ी, उसके बाद क्या आपको इनमें बदलाव लगा? विनय, हम यहाँ पर इनसे आंसर जरूर लेंगे, लेकिन एक यहाँ पर हमारे साथ राजेश फोन लाइन पे मौजूद हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। राजेश जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सवाल एक तो कोच से है जी,
कि ये बार बार सुनने में आ रहा था कि ये जो टूर्नामेंट है ये कोई एफिलेटेड टूर्नामेंट रही है, ना तो इसे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और ना इसे साई से मान्यता प्राप्त है, ना किसी और फेडरेशन से इसे मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह का जो टूर्नामेंट है उसकी जानकारी क्या कोच ने बच्चों को दी कि ये इस तरह का ये टूर्नामेंट पंजाब सरकार का एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट था जिसे ना तो भारत सरकार से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त थी जी। और क्या टीम सिलेक्शन में टीम जो भारत की टीम जैसे चुनी जाती है एक ट्रायल होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक नेशनल फेडरेशन है, क्या उसके माध्यम से ये टीम चुनी गई थी? बिल्कुल है, बिल्कुल आपने बिल्कुल राजेश जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न जी राजेश जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। हम आगे चल के प्रोग्राम में इस बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन क्योंकि पहले ही आपने इस प्रश्न के लिए पूछ लिया है हम इसका आंसर जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए, उसके बाद आके आपको आंसर देंगे।